हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वॉर मोटर राइट। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ 2024 मॉडल होंडा यूनिकॉर्न ब्लू कलर का। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि मोटर्स होंडा शोरूम उदगीर को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैं आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहां पर होंडा यूनिकॉर्न ऑन रोड मिलेगी 138,750 रुपये की ऑन रोड प्राइस पर। 138,750 रुपये में आपको होंडा क्या ऑफर करता है अपन आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की। तो यहां पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलते। ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसका। दूर से देखने पर ब्लैक लगता है लेकिन ये है ब्लू कलर। यहाँ पर इसकी शाइनिंग ब्लू कलर में मिलती है। यूनिकॉर्न के आपको ब्रांडिंग मिलती है, मोनो सस्पेंशन लिखा हुआ मिलता है। और साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड से भी यूनिकॉर्न अच्छी लगती है। और कम्यूटर बाइक में फ्लैगशिप मॉडल लगता है होंडा यूनिकॉर्न। मेरे पास खुद यूनिकॉर्न बाइक है जो कि BS4 मॉडल है और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने बाइक से। रियर प्रोफाइल में आपको लंबा सा मडगार्ड मिलेगा, टेल लाइट मिलेगी और होंडा की ब्रांडिंग मिलती है। पीछे आपको अच्छा लंबा टायर मिलता है और साइलेंसर भी आपको अच्छे डिज़ाइन में मिलता है। इसका साइलेंसर कवर का डिज़ाइन कुछ अलग ही लग रहा है। और यहाँ पर ट्रिपल सीट राइड कर सकते हैं, पीछे यहाँ पैर रख सकते हैं आप, लेकिन राइड मत करो, इलीगल होता है ट्रिपल सीट राइड करना इंडिया के अंदर। और फ्रंट में आपको सेम डोम मिलता है होंडा की ब्रांडिंग और क्रोम की फिनिश के साथ। हैलोजन हेडलाइट है, नीचे आपको ब्लू कलर के मडगार्ड मिलते हैं और यहाँ पर लेग गार्ड लगाया हुआ मिलता है। अभी इंस्टॉल नहीं किया गया है इसके अंदर लेग गार्ड। बाकी आपको होंडा यूनिकॉर्न कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात कर लेते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हैलोजन वाला हेडलैम्प सेटअप और हैलोजन वाले इंडिकेटर। नीचे आपको नॉर्मल से टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि अच्छे से वर्क करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं इसका सस्पेंशन। और नीचे मिलता है आपको प्रॉपर मडगार्ड। इसके नीचे मिलता है आपको डिस्क ब्रेक जो कि 240mm का है, सिंगल चैनल ABS आता है इसके अंदर। और यहाँ पर अलॉय व्हील मिलता है आपको 5-spoke व्हील वाला जो कि पहले से अलग है। और सामने भी टायर अच्छा मिलता है आपको, 80x100 का है, 18 इंच अलॉय व्हील मिलता है सामने के टायर पर। और यहाँ पर क्या है, ABS अच्छा मिलता है, टायर की मोटाई भी अच्छी है और 18 इंच का अलॉय व्हील है और निसिन के कैलिपर, तो ये अच्छा रहता है सेक्शन। अब बात कर लेते हैं रियर की। प्रॉपर ग्रैब हैंडल मिलेगा यहाँ पर, टेल लाइट मिलेगी आपको और हैलोजन वाले इंडिकेटर प्रॉपर मडगार्ड के साथ। मडगार्ड भी मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर टायर देखने को मिलता है आपको, लगभग 100x90 का टायर है रियर में। MRF के जापास टायर हैं, ट्यूबलेस टायर हैं और 5-spoke व्हील वाले अलॉय व्हील मिलते हैं आपको। स्पोक व्हील नहीं है, 5-spoke मिलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर अलॉय व्हील 18 इंच का मिलता है आपको। और रियर में मोनोशॉक मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है सिटी प्लस हाईवे के लिए। राइड वाला वीडियो अलग से आएगा इस बाइक का। और यहाँ पर आपको अलॉय व्हील अच्छा मिलेगा। और पीछे के ड्रम ब्रेक की बात करूँ तो पीछे आपको डिस्क ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ 130mm का ड्रम मिलता है जो कि थोड़ा मेरे को लगता है कॉस्ट कटिंग की है होंडा ने। अगर डुअल डिस्क आता इसके अंदर तो और अच्छा रहता। बाकी टैंक की बात करें तो 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है आपको। और सीट की बात करें तो सिंगल पीस सीट मिलती है, लंबी है, चौड़ी है और स्पेशियस है, बहुत सारी जगह मिलती है और वेल कुशन्ड है इसकी सीट। मैं बात करूं कंफर्टेबिलिटी की तो अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं या फिर टूरिंग करना चाहते हैं, यूनिकॉर्न एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स मिलते हैं और राइडिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा अपराइट है। देख सकते हैं हैंडल कितना ऊपर है और सीट कितनी अच्छी है। और पिलियन के लिए भी आपको अच्छी खासी जगह मिलती है प्रॉपर ग्रैब हैंडल के साथ। और राइडर के लिए इतनी बड़ी जगह, पिलियन के लिए इतनी जगह, तो और क्या चाहिए। और सीट हाइट की बात करूँ तो लगभग 798mm की सीट हाइट मिलती है जो कि सबके लिए परफेक्ट है। मैंने देखा है 5'3" वाले बंदे भी इस बाइक को आराम से राइड कर सकते हैं, तो ये बाइक हाइट के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। बाकी आपको यहाँ पर साड़ी गार्ड मिलेगा इंस्टॉल करके, अभी इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया गया और लेडीज़ वन साइड बैठ सकती हैं। फुटपिक की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलती है फुटरेस्ट की। और यहाँ पर भी होंडा यूनिकॉर्न की खासियत यह है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही तगड़ी आती है। अगर एक्सीडेंट भी होता है तो ज़्यादा डैमेजेस नहीं होते इसके अंदर, क्योंकि पर्सनली मेरे पास भी बाइक है और बिल्ड क्वालिटी से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो अब तक होंडा ने कोई डिजिटल मीटर नहीं दिया इसके अंदर, नॉर्मल सा मीटर आता है जो कि है फुल एनालॉग। इसके अंदर आपको स्पीड बताएगी, यहाँ पर ओडोमीटर है, यहाँ ट्रिप मीटर है, टैकोमीटर इधर आता है और फ्यूल गेज यहाँ आता है। इंजन चेक लाइट आती है, यहाँ पर आपको देखने मिलता है न्यूट्रल लाइट और इंडिकेटर वाला इंडिकेशन। और यहाँ लो बीम हाई बीम लाइट मिलती है। चाबी यहाँ लगाना है होंडा के बैजिंग और इससे आप रिसेट कर सकते हैं ट्रिप मीटर को, जो कि बटन मिलता है यहाँ पर। और स्विच गेयर्स की बात करूँ तो राइट साइड में आपको लाल कलर का इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्टर बटन मिलता है। और लेफ्ट साइड के बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर पासिंग स्विच पीछे है, ये लो बीम हाई बीम बटन है, ये इंडिकेटर वाला बटन है और इसके नीचे हॉर्न आता है। अभी बैटरी कनेक्शन नहीं है लेकिन इसका जो हॉर्न है थोड़ा कम लाउड रहता है। बाकी रियर व्यू मिरर की बात करूँ तो ये तो अच्छे प्रैक्टिकल आते हैं, शाइन के अंदर भी सेम आते हैं रियर व्यू मिरर, तो यहाँ पर रियर व्यू मिरर से आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली, अच्छे मिलते हैं रियर व्यू मिरर।
और हैंडल बार की बात करूँ तो यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार नहीं मिलता आपको, नॉर्मल सा रॉड वाला हैंडल बार मिलता है जो कि क्रोम फिनिश में आता है। और यहाँ पर ये नई चीज़ ऐड की गई है। और यहाँ पर जो टैंक मिलता है आपको, टैंक कैप मिलता है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी आती है। और इसके अंदर हिंज है, यह हाथ में नहीं आ जाता खोलते ही, ये भी अच्छा दिया है। अभी तक कोई अपडेट नहीं लगा मुझे इसके अंदर, बाकी सबको सिमिलर लग रहा है। बाकी अपन चलते हैं इंजन की तरफ। तो यहाँ पर आपको सेम मिलता है इंजन पहले जैसा, 163 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेल्व BS6 फेस टू कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और यहाँ पर आपको मैक्स पावर देखने को मिलती है लगभग 13 BHP की, और मैक्स टॉर्क मिलता है 14 Nm का। 5 गियर मिलते हैं इसके अंदर आपको, 5 स्पीड गेयरबॉक्स है, और गेयरबॉक्स भी बहुत ज़्यादा स्मूथ आता है। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गेयरबॉक्स मिलेगा जो कि अच्छा लग रहा है क्वालिटी से तो, और होंडा का गेयरबॉक्स है तो आपको शिकायत नहीं आने वाली, गेयरबॉक्स बहुत अच्छे मिलते हैं होंडा यूनिकॉर्न 2024 मॉडल के। बाकी आपको पावर मिलती है 13 BHP की और 14 Nm का टॉर्क है। मुझे लगता है थोड़ा पावर और टॉर्क की कमी है, लेकिन जैसे आप इस बाइक को राइड करेंगे आपको FZ से ज़्यादा पावर महसूस होने वाली है इसके अंदर, और टॉर्क भी आपको अच्छा मिलेगा। FZ से तो आपको ज़्यादा मिलती है पावर और टॉर्क, क्योंकि FZ के अंदर आपको 12.4 PS की पावर मिलती है, इधर 13 PS की पावर है, और टॉर्क भी आपको FZ से ज़्यादा मिलता है इसके अंदर। तो आपको पावर अच्छी लगने वाली है। और इंजन स्मूथनेस की बात करूँ तो वन ऑफ द स्मूथेस्ट इंजन है इस सेगमेंट का यूनिकॉर्न के अंदर। यहाँ पर 0% वाइब्रेशन आते हैं। अगर आप 100 की स्पीड में भी इस बाइक को राइड करेंगे तो आप निराश नहीं होने वाले इसके स्मूथनेस से, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन मिलता है। बाकी अपन बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज की। तो यहाँ पर माइलेज मिलेगा लगभग 55 से 60 KMPL का, मैं बोलूँगा 55 से 60 का माइलेज आपको हाईवे पर मिल जाएगा, और सिटी में मिलेगा 50 से 55 का माइलेज। आप अच्छे से चलो आपको माइलेज ज़्यादा ही मिल सकता है सिटी में, मैंने खुद लगभग 58 का माइलेज निकाला है सिटी के अंदर मेरे बाइक से। तो यूनिकॉर्न का जो माइलेज है बहुत ही बढ़िया रहता है 150 CC कैटेगरी में। FZ से भी आपको ज़्यादा माइलेज इस बाइक से मिलेगा। अगर आपको इस रेंज में माइलेज अच्छा चाहिए तो यूनिकॉर्न आपको अच्छा माइलेज ऑफर करती है अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, और इंजन भी अच्छा है, रिलायबल रहता है इसका इंजन। बाकी अपन डायमेंशंस की बात करें तो आपको ओवरऑल वेट मिलता है 140 kg का, 140 kg इसका कर्व वेट है जो कि अच्छा है, मतलब ज़्यादा हेवी भी नहीं है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, मीडियम साइज पकड़ूंगा मैं। और यहाँ पर देखने को मिलता है आपको ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm का, जो कि मेन स्टैंड और साइड स्टैंड और इंजन कट ऑफ सेंसर उसके साथ आता है। तो यहाँ पर क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा दिया है होंडा ने, बड़े बड़े गड्ढों में भी जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। सीट हाइट मैंने बताई 798 mm की, और यहाँ पर 13 लीटर की टंकी मिलती है, टैंक बड़ा मैं 13 लीटर की, तो 13 लीटर की टैंक भी आपको अच्छी मिलती है, माइलेज के हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली टैंक को लेकर। बाकी मैंने स्पेक शीट तो आपको सुना दी, अब देखते हैं इसके अंदर कमियां क्या क्या हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है डुअल डिस्क आना चाहिए था, कंपनी को देना चाहिए था इसके अंदर डुअल डिस्क मॉडल, एक्स्ट्रा पैसे ले लेते तो और अच्छा होता। बाकी इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि किक मिल जाती है आपको, और बहुत सारे बाइक के अंदर किक नहीं आता, लेकिन इसके अंदर होंडा ने दिया है किक, और अभी तक कंटिन्यू रखा है इसके अंदर किक देना, मतलब किक का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी थोड़ा आउटडेटेड लगने लगा है, मुझे लगता है इसके अंदर फुल डिजिटल मीटर या फिर सेमी डिजिटल मीटर आना चाहिए, बाकी होंडा कुछ ध्यान देता और अच्छा होगा। और दूसरा LED हेडलाइट आ जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि इसका जो हेडलाइट का इल्यूमिनेशन है बहुत ही कम रहता है। चलो यही बल्ब रखेंगे, लेकिन इल्यूमिनेशन तो बढ़ा के देना चाहिए होंडा को। और रियर में आपको LED टेल लाइट नहीं मिलती, हैलोजन वाली टेल लाइट मिलती है, तो थोड़ी बहुत कमी है इसके अंदर। बाकी अब मैं बात करूँ अच्छी चीज़ों की, तो यहाँ पर रिलायबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिलेगी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी यूनिकॉर्न की, और साथ ही साथ राइड क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है होंडा यूनिकॉर्न की। जब भी आप इस बाइक को राइड करेंगे आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने वाली राइड क्वालिटी में, तो यहाँ पर राइड क्वालिटी बेस्ट मिलती है होंडा यूनिकॉर्न में। और आप बात करें 138,750 रुपये में आपको कैसी रहती है बाइक, तो भाई अगर आपको फैमिली के लिए बाइक चाहिए, फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, अच्छा इंजन चाहिए, माइलेज अच्छा चाहिए, और साथ ही साथ नॉर्मल से लुक्स चल जाएंगे, तो ये बाइक आपके लिए अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो आपके लिए और एक ऑप्शन है होंडा की तरफ से, वो है होंडा SP160। LED हेडलाइट मिलेगी आपको, डुअल डिस्क मिलेगा, फुल डिजिटल मीटर मिलेगा, लेकिन अगर आपको फैमिली के लिए बाइक चाहिए, फीचर्स की ज़रूरत नहीं है, तो होंडा यूनिकॉर्न एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, और सेल्स भी अच्छे हैं इस बाइक के, और पर्सनली मैं भी ओनर हूँ होंडा यूनिकॉर्न का। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न 2024 मॉडल ब्लू कलर का रिव्यू दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।